नमस्कार, नेशनल प्लस बुलेटिन साथे हूं सुदेवान। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में પોતાના મુખ્યમંત્રીનો ચહેરો નક્કી કરી શકી નથી। શુક્રવારે લગભગ 1.5 કલાક સુધી ચાલેલી 40 ધારાસભ્યો અને કેન્દ્રીય નિરીક્ષકો વચ્ચેની બેઠકમાં અંતિમ નિર્ણય પાર્ટી હાઈકમાન્ડ પર છોડી દેવામાં આવ્યો હતો। હવે મુખ્યમંત્રીનો નિર્ણય સીધો દિલ્હીથી લેવામાં આવશે। 1.5 કલાક સુધી ચાલેલી બેઠકમાં 6 ચહેરાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી, જેમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી वीरभद्र सिंह पत्नी प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुखू, मुकेश अग्निहोत्री, चंद्रकुमार, हर्षवर्धन चौहान और धनीराम शांडिल समावेश थाय छे, परंतु कोई एक नाम पर सहमति सधाई न हती। सौथी मोटो पेज प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुखू ना नाम साथे अटवायेलो छे। हिमाचल की चूंटणी में सीएम ना नाम की जाहरात माटे धारासभ्य दल की बैठक बोलाववामां आवी हती, जेमां सीएम अंगे हाईकमांड निर्णय लेशे तेवो ठराव पसार करवामां आव्यो हतो। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुखू शिमला में राजीव भवन पहुंचे और पार्टी में चाली रहे विवाद ने शांत करने प्रयास करो। तेमणे कहू कि हूँ सीएम पद उम्मीदवार नहीं, हूँ कांग्रेस पक्ष नो शिष्टबद्ध सैनिक और कार्यकर और धारासभ्य छू। पार्टी हाईकमांड निर्णय आखरी रहेशे। हिमाचल विधानसभा चूंटणी जीत्या बाद सीएम पद उम्मीदवार प्रतिभा सिंह शिमला में राजीव भवन ना कांग्रेस कार्यालय पहुंचा त्यारे तेमना समर्थन में उग्र नारा लाग्या हता। सबसे खुशी की बात थी कि 40 के 40 विधायक यहाँ पे पहुंचे, जो आज की मीटिंग हुई और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं।